अगर वो मारते हैं पीटते हैं तो मैं हमेशा कहती हूँ कि देखिए पंडित जी, पुजारी जी, मंदिर के पुजारियों से मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, क्यों गलत हो जाएगा भैया? आप अधिकार की बात करते हैं, सबको समान अधिकार होना चाहिए, तो दलित क्यों ना मंदिर में? अरे भाई वो ऐसे ही सुधरेगा ना, उसे ऐसी आदत डाल दी ना इन्होंने, लटका कर ही सुधरता है वो, उन्होंने ऐसी आदत डाली है, देखो मार रहे हैं फिर भी बाबा साहब सोचते तो फिर बाबा साहब क्यों जाते कालाराम मंदिर? बाबा साहब मंदिर में भगवान ढूंढने नहीं गए थे, ये गलतफहमी निकाल दीजिए समाज के लोगों, बाबा साहब भगवान ढूंढने नहीं गए थे, बाबा साहब भी सिर्फ ये कहने गए थे जितनी भी सार्वजनिक जगह है सब जगह जा सकता है इंसान, पर ये बताने गए थे आप मारने के बाद नहीं, ये बताने गए थे कि इसके अंदर कुछ नहीं है, तो बाबा साहब इतना बता गए ना कि इसके अंदर कुछ नहीं है, तो अब मैं ये ना बताऊं कि अरे जाने तो मारो इनको, अब मैं वही बात दोहराऊं क्या? उस समय पे 75 साल पहले कही गई बात बार बार दोहरा हूं, अब परिवर्तन नहीं हुआ, समय नहीं बदला है, जो बात बाबा साहब कह रहे कि इसके अंदर कुछ नहीं है, यहाँ नहीं जाओगे तुम, और यहाँ जाकर मैंने दिखा दिया कि इसमें कोई शक्ति नहीं है, अगर हम गए तो हम पे लाठियां चली। आप कह रहे हैं ना शक्ति नहीं है, वो कह रहे हैं बड़ी शक्ति है इसमें। किसमें? काय की शक्ति है? जो उनसे जा रहे हैं कह रहे हैं बहुत बड़ी शक्ति। अगर ये शक्ति है तो फिर डॉक्टर के क्यों जाते हैं? अगर ये शक्ति है तो फिर अपना इलाज, तो आरोप आप पे लगता है ना? ये आरोप हम पे इसलिए लगाते हैं, वो जितने गलत काम करते हैं वो सारे हम पे थोप देते हैं, भावना हमारी हाथ करते हैं, आरोप लगाते हैं हमारी भावना हाथ होगी, हमारी भावना हाथ होगी, भावना हमारी हाथ करते हैं, रेप हमारी बच्चियों के साथ करते हैं, पीटा हमारे लोगों को जाता है, मंदिर में हमें मारा जाता है, और कहते हैं भावना उनकी हाथ होगी। कैसी भावना है भैया दोगली? भावना इधर वालों की हाथ होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि ये अपने दर्द को समय पर पहचान नहीं पाता, ये क्या ही नहीं पाता। मैं तो कह रही हूँ वो भावना हाथ करने की जब बात करते हो उससे पहले तुम कहो ना तुम्हारी भावना हाथ होगी, क्यों नहीं कहते हो कि मेरी भावना हाथ होगी? मैं तो हजार बार बोलूंगी मेरी भावना हाथ करते। आप कहती है सीधा मुकाबला करो, लेकिन एक टाइम के खाने के लिए तरस रहा, तो उसमें मुकाबला सीधे मुकाबले के लिए मैं कौन से कह रही हूँ कि आप हथियार लेकर के निकल पड़ो? सीधे मुकाबले का मतलब ये उसको छोड़ दो, उसको छोड़ कर ही आपकी लड़ाई आधी जीती जाएगी, 50% लड़ाई आप घर में बैठ करके जीत सकते हैं, और 80% लड़ाई तब पूरी हो जाएगी जब आप अपनी महिलाएं को उस आडम बर्बाद और वो उस ब्राह्मण के बनाए हुए प्रपंचों से बचा लेंगे। दलित की महिलाएं कह रही है अपने आदमी को खींच रही है, कहाँ जा रहा है? यहाँ यहाँ है सब कुछ। तो उन मूर्खों से पूछो जो रोटी खा रही हो ना, ये रोटी तुम्हें जो उसने नहीं दी है जहाँ को तुम खींच रही हो। मैं रोज देखता हूँ बड़े बड़े नेता मंच पे हैं और शाम को अपनी बीवी के साथ जा रहे हैं, ये नलायक कहीं ना कहीं मजबूरी है। ये रिजर्वेशन की मिली हुई सीटों से फूल रही है, रिजर्वेशन की मिली हुई नौकरी से फूल रही है, और गालों में जो चमक है ना ये सूखे सड़े हुए होने चाहिए थे, जैसे अभी भी गांव में पड़ी हुई महिलाएं बेचारी जिनके शरीर पे मांस नहीं है, हड्डियों में कैल्शियम की कमी है, जो एनीमिया की बीमार है, ये वो उस तरह से जीवन जीते हैं। आरक्षण से नहीं, हम अपनी मेहनत से लगे। हाँ, तो तुम्हारे बाप दादाओं ने तीसरी पीढ़ी पीछे जाके देखो, उन्होंने कब मेहनत न करी? वो ऐसे पड़े रहते थे क्या नीचे जमीन में खड़े हुए? उन्होंने भी तो बहुत मेहनत की, उन्हें क्यों नहीं मिली नौकरी? उनका जीवन क्यों नहीं सुधरा? एक दो लोगों से हमने भी सवाल किया, कह रहे मेहनत से गए अपने। हाँ, ये मेहनत तुम्हारे बाप दादा ने भी खूब करी थी। जाते हैं तुम्हें तो मिला हुआ पहले। अच्छा, हम भी जाते सुन लो दादा, हम भी जाते हैं, ये सब जाते हैं, क्योंकि जो तुम्हें मलाई मिली ना बाल्टी में भर के उसे तुम खा गए, चाट गए, तुमने उसको दोबारा भरने का काम ही नहीं किया, तुम्हारा दुश्मन उसको बर्बाद कर गया। ये बचानी थी ना तुम्हारे दादा, पर दादा भी इस नौकरी में होते, लेकिन तुम्हें जो मिला तुमने बचाया नहीं। क्यों हो जाता है आपको गुस्सा? इसलिए होता है कि आप मुझे गुस्सा दिलाते हो, भड़काते हो, मेरे समाज के बारे में कह रहे हो कि भैया वो मंदिरों में जा रहा, मंदिरों में जा रहा, तो जा क्यों रहा पिटने? मैं तो ये कह रही हूँ क्यों जा रहा पिटने? अर्चना गौतम आपके समाज की नहीं, मेरे को दर्द होता मत जाओ पिटने के लिए, अपने घर में सम्मान से रहो, अपने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ो, उन पे चलो, वही आपका उद्धार करेंगे। प्रतिज्ञा पढ़ के भी फिर भी वही काम कर देते हैं, फिर क्या किया जाए? तो उनकी मूर्खता है, और ये मूर्खता में ये बच्चे बीबियां अपना सम्मान मान सब कुछ कुचलवा रहे हैं, अलग अलग जाति से। बहुजन समाज की लड़ाई आखिर है क्या? मतलब धर्म की लड़ाई है या अधिकारों की लड़ाई है या फिर सत्ता की लड़ाई है? हाँ, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। बहुजन समाज की जो लड़ाई है अभी तक स्वाभिमान की लड़ाई चल रही है, और स्वाभिमान में धर्म भी आता है, स्वाभिमान में अधिकार भी आते हैं, और स्वाभिमान में सत्ता भी आती है। तो फिर हिंदू धर्म में क्या? हिंदू धर्म में इनकी चारों चीजें एकदम से जमीन पर हैं, और इनका कहीं पर कोई अधिकार नहीं है। हिंदू धर्म में इन्हें किसी जगह पे कोई बैठने की जगह नहीं दी गई है, अभी चार वर्णों में कहीं पर इन्हें बैठने की जगह नहीं दी गई है। दूसरी चीज, इन्हें अधिकार भी नहीं दिए गए हैं। व्यवस्था तो नहीं है ना जी क्या? अरे आप कैसे कह सकते हैं वर्ण व्यवस्था नहीं है? अरे आप देश के अंदर इसका मतलब ये है कि अभी या तो आप अनजान है। राष्ट्रपति नहीं बनना है? अरे राष्ट्रपति एक को बना करके पूरे समाज को लूटने का काम कर रहे हैं ना। हाँ, दलित सीएम बना ना, आप गिरा दिया कुर्सी से नीचे, आप बनने दें दोबारा, देखो कितनी मुश्किल कर रहा है। अगर ये व्यवस्था नहीं है ना, वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है, वो तो भारतीय संविधान अधिकार देता है उनके लिए आज भी वर्ण व्यवस्था है, वो अपने बाप दादाओं की जो वर्ण व्यवस्था है उसको बनाए रखने अपना कर्तव्य समझते हैं। देश संविधान से नहीं चलता, देश संविधान से चलता है, लेकिन वो वर्ण व्यवस्था को लागू करने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं, और यही हमारी और उनकी लड़ाई है। हम चाहते हैं संविधान लागू हो, वो चाहते हैं वर्ण व्यवस्था लागू हो, जिसमें जातिवाद हो, जिसमें शोषण हो, जिसमें इनको दबाए रखे, जो ये गूंगे बने रहे बोले ना। संविधान के अंदर बहुत सारी छेड़छाड़ हो चुकी है, और उनकी इच्छा बार बार यही है। तो जब से संविधान बना संशोधन तो होते रहे संशोधन, बहुत सारे संशोधन ऐसे जो चुपचाप किए गए हैं, कुछ संशोधन ऐसे जो देश के अंदर नागरिकों के हित में हैं, लेकिन कुछ संशोधन ऐसे हैं जो इन्होंने चुपचाप किए हैं, जहाँ पे 131 सभी सांसदों की बात चल रही थी वो भी चुपचाप सिग्नेचर कर देते हैं, वो भी नहीं उनको पढ़ते लिखते कि इनमें है क्या, इनमें अधिकारों का हनन कहाँ हो रहा है।
तो ये बहुत शातिर तरीके से संविधान को, अगर संविधान खतरे में नहीं है तो ये लोग संसद भवन के आगे ही चार ब्राह्मण पुत्र जाकर के आग लगाते हैं संविधान की प्रतियों में। क्यों इस देश के अंदर एससी एसटी कभी सत्ता में आ पाएंगे? क्यों नहीं आएंगे? सत्ता में आएंगे, मैं कह रही हूं। सत्ता में आने का एक ही रास्ता है कि जितनी भी जातियां हैं ये सारी जातियां अपने एक दुश्मन से लड़े, और सबका दुश्मन एक है कॉमन, और वो है जो जिसने आपको जातियों में 20% कैसे लड़ेंगे? कैसे लड़ेंगे भाई, अपने दुश्मन को पहचान ले। मैं तो कह रही हूँ इस देश के अंदर अगर किसी को सताया और किसी ने सताया, सताने वाला केवल 3% है, और जो सताया गया है वो ये 97% है। अगर वो सारे होते 3% की क्या वैल्यू है? एक तरफ को किनारे फेंक देंगे। बात कर रहे हो मैडम, जो 65% है इस देश में वो सता रहा है आपको। कौन से सर वही फोड़ रहा है आपके? वो किस वजह से फोड़ रहा है? आप उसकी क्रोनोलॉजी समझो ना, वो कहाँ से आ रही है दिमाग के अंदर? अभी आपने दिल्ली अशोकनगर की घटना सुनी हो? मैं पूरे देश की घटनाएं सुन रही हूँ। आप जिन बातों को कहते हैं कि भैया शूद्र जो है दलितों को शूद्र मारते हैं, ओबीसी मारते हैं, गुज्जर मारते हैं, यादव मारते हैं, लेकिन ये चली कहाँ से है? उनको दिया किसने है ये सताने का हक? उनको दिया उसने है जिसने जातियां बनाई हैं, और इसी से हमारी लड़ाई है। वो तो अपने दिमाग को वहां गिरवी रखे हुए उसके पैरों में। एक ओबीसी जाति तोड़ने की बात करते हैं, आप तो खुद जातियों में लिप्त हैं सारे लोग। हम तो लिप्त नहीं है जातियों में। क्या बात कर रही हो मैडम? बिल्कुल नहीं है। जितने भी लोग आए चमार में शादी नहीं करेगा, चमार खटीक में शादी नहीं करेगा, ये इनकी मूर्खता है। ये इनकी मूर्खता है कि तुम्हें बना दिया है कि तुम भेड़ हो, तुम बकरी हो, तुम ये हो, तुम वो हो, और ऐसे करके इनको बांट दिया है। ये इनकी मूर्खता है कि अपनी बेटियों का आपस में लेन देन नहीं करते, और जब तक ये नहीं करोगे ना तब तक दुश्मन से लड़ने का हमारा कोई फायदा भी नहीं होगा। मुझे यही लगता है कि आप लोग उनकी बताई हुई जातियों के आधार पर अपने आप को इतना जकड़ चुके हैं कि अगर आप चाहें भी ना तो भी उसको हट नहीं पा रहे हैं, और ये हटना ही पड़ेगा। कहाँ हट रहे हैं, ये तो बढ़ रहा है ना। देखिए रविदास ही पंजाब में चले जाओ, ये बंटवारे करने वाले संख्या जिनकी देखी, जो ये बंटवारे करने वाले हैं ना, ये वही धर्मों से चलने वाले लोग हैं जो कहते हैं कि भाई आप तुम इधर आ जाओ, तुम मैंने इतने बांट लिए, तू इतने बांट ले, तू इतने रख ले, तू इतने रख ले, मेरे कस्टमर इतने हो गए, तेरे इतने हो गए, तेरी भी दुकान बढ़िया चल रही है, मेरी भी दुकान बढ़िया चल रही है, लेकिन समाज का इसमें क्या फायदा? उनको क्यों गाली देते हो? किनको? उन लोगों को। वो भी तो कथाएं करते हैं हमारे लोगों में आकर के। वो भी तो बताते हैं कि भी गणेश दूध पी रहा है। वो भी तो बताते हैं काली मैया जो असुरों का नरसंहार करती है। लोग जाते हैं ना उनके पास, वो तो नहीं आते खुद चलते। तो ये जाते क्यों है पिटने के लिए? ये सामाजिक परिवर्तन है, ये झूठ का आडंबर तो है नहीं। तो धीरे धीरे प्रोसेस होता है उसको समझने सीखने के लिए। तो लोग आ रहे हैं, समझ रहे, सीख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इनसे संदेश नहीं जाता, पूरे देश भर में इसका मैसेज। तमाम लोग सोचते हैं कि हम बुद्ध धर्म अपना लें, लेकिन कहा जाता है कि उनका आरक्षण खत्म हो जाएगा, क्या ये सच है? नहीं, देखिए इसके लिए आप वकील से बात कीजिए। और जो आरक्षण है वो जातियों पर मिला है, धर्म पर नहीं मिला है। वो एक अलग अनुसूची बनाई, नहीं धर्म के आधार पर नहीं है। जो अनुसूची बनाई गई, जो अनटचेबल लोग थे, जो अनटचेबिलिटी जो फॉलो करते थे, उन लोगों के लिए। लेकिन जो मुस्लिम दलित है उसको नहीं मिलता ना आरक्षण के? तो मुस्लिम दलित का जो उधर चला गया, जो जिसने मुस्लिम प्रतिबंध लगा हुआ है ना, तो वो तो मुस्लिम कम्युनिटी में चला गया ना, तो वहाँ उस वजह से नहीं है। लेकिन जो दलित हैं आज भी, जो हिंदू में हैं, उनका रिजर्वेशन वैसे ही है। बार बार बात यही आती है कि अगर आप धर्म परिवर्तन कर लोगे तो आपके अधिकार खत्म हो जाएंगे। कोई अधिकार खत्म नहीं होगा। ये सब झूठ फैलाया जा रहा, ताकि वो बौद्ध धर्म की तरफ ना जाए, डराया जाता है, क्योंकि वो और कमजोर हो जाएंगे। उन्हें लगेगा यार धर्म ही धर्म रह जाएगा हम पर, तो हमारे अधिकार ही खत्म हो जाएंगे, तो फिर हम और वीक हो जाएंगे, हमारे बच्चों के लिए आगे के रास्ते बंद हो जाएंगे। तो इसलिए वो भ्रम फैला करके, उनको दहशत में रख करके इस धर्म में मजबूर करते हैं रहने के लिए। देखिए जब बौद्ध धर्म का एक व्यक्ति यहाँ प्रताड़ित होगा तो वो कहेगा एक बौद्धिस्ट को सताया गया है। 187 कंट्री लगभग प्योर बौद्धिस्ट हैं, टोटली बौद्धिस्ट हैं। तो वहाँ आवाज़ जाएगी कि भाई यहाँ पर आपके भारत में तो आप लोग जब हमसे मिलने आते हो तो बुद्ध की प्रतिमा लाते हो, लेकिन जब जो लोग वहाँ बुद्ध धर्म को फॉलो करते हैं उनको आप प्रताड़ित करते हो, उनको आप परेशान करते हो। तो इसलिए ये आवाज़ केवल दलित का मतलब ये है कि दलित में जातियाँ भी हैं कि भाई जाटव पिटा तो कहेगा चमार मैं क्यों करूं, कोरी कहेगा मैं क्यों कहूं, जाटव ये कहेगा, कुम्हार ये कहेगा, लोधा ये कहेगा।